हाय फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ आई हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं अंडा और मसूर की करी। मैंने ले लिया है एक बाउल अक्खा मसूर की दाल। ये मैंने दाल को वॉश करके ले लिया है। अब मैं इसे रख देती हूँ कुकर में पकने के लिए 3 से 4 सीटी आने तक। यह मैंने ले लिया है एक प्लेट में एक बड़ा टमाटर, एक प्याज, 5 से 6 लहसुन, 4 से 5 हरी मिर्च। यह मैंने ले लिया है 4 बॉईल करके अंडे। ये मैंने मसूर को उबाल लिया है जो कि पक चुका है अच्छी तरह। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। अब मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच तेल कढ़ाई में। अब मैं डाल रही हूँ इसमें 1 छोटा चम्मच सरसों। अब मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच जीरा। जीरा और राई को अच्छे से फ्राई होने दें। अब मैं डाल रही हूँ लहसुन, इसे थोड़ा भून लें। लहसुन भुनने के बाद अब मैं डाल रही हूँ हरी मिर्च, इसे अच्छी तरह फ्राई कर लें। अब मैं डाल रही हूँ करी पत्ता। अब मैं डाल रही हूँ प्याज, इसको गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। प्याज भूनने के बाद अब मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। अब मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आपको तीखा खाना है तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। अब मैं डालने जा रही हूँ 1 छोटा चम्मच कसूरी मिर्च पाउडर। अब मैं डाल रही हूँ 1 पैकेट चिकन मसाला। इन सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करके भून लें। अब मैं डाल रही हूँ टमाटर, अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इसे गलने दें। अच्छी तरह सब मसाले भुनने के बाद अब मैं डाल रही हूँ इसमें दाल।
दाल और मसालों को 2-3 मिनट तक मिक्स करके पका लें। चलाने के बाद 2-3 मिनट स्लो फ्लेम पर करके ढक दें। अब मैं इस पे डाल रही हूँ 3 कप पानी। अब मैं डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक। एक उबाल आने के बाद अब इसमें मैं डाल देती हूँ अंडे। अब इसे 5-10 मिनट पकाना है धीमी आंच पर। अब हमारी करी तैयार हो गई है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया। अब हमारे अंडे मसूर की करी तैयार है। अब मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। अब मैं इसे हरे धनिए से सजा लेती हूँ। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपना सपोर्ट और प्यार दिखाइए। अब हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।